दिखाई दे रहा स्क्रीन हेलो यस yes, दिखाई दे रहा तो आज तो खैर हमारा पहला क्लास है डेटा साइंस का टॉपिक पे कि डेटा साइंस वगैरह क्या होता है और इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा पाइथन तो आज थोड़ा सा ऐसे ही इंट्रोडक्शन होगा कि डेटा साइंस होता क्या है बहुत सारे लोगों को सबके हिसाब से अपना अपना डेफिनेशन होता है हम अपने हिसाब से डेफिनेशन बताएंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ये तो डेटा साइंस है एम का मतलब मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये डेटा साइंस क्या होता है मशीन लर्निंग क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इंफॉर्मेशन क्या होता है नॉलेज क्या होता है ये सब बहुत सारा टॉपिक है जो हमें समझना पड़ेगा इसके बिना सारा चीज इनकम्प्लीट है लाइक डेटा सही तो स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन बोलो या डेटा बोलो हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में इंफॉर्मेशन बोलते हैं बट कंप्यूटर के फील्ड में उसको डेटा बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कंप्यूटर बोलो या इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो उस पर इसको हम लोग डेटा बोलते हैं ठीक है तो ये क्या होता है डेटा साइंस मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं डीप लर्निंग बिग डेटा क्या हो गया इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एन एन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग सब इसमें पढ़ेंगे तभी जाके आगे बहुत सारा स्कोप है मतलब ये एक सिंगल चीज सिर्फ इस चीज को पढ़ लोगे ना ये जो हमारा कोर्स चल रहा है अभी कुछ लोगों का जावा से चल रहा है कुछ लोगों का पाइथन से चल रहा है ठीक है तो पाइथन वाले का सिर्फ डेटा साइंस मशीन लर्निंग ए चल रहा है और जावा वालों का सब कुछ चल रहा है स्टैक भी चल रहा है डेटा साइंस मशीन लर्निंग ए भी चल रहा है क्लाउड भी है उसके अंदर में ठीक है तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड एआई इसमें बहुत सारा फ्यूचर है लाइक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो ए इंजीनियर बन सकते हो ठीक है बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हो क्योंकि आज के टाइम में किसी भी फील्ड में चले जाओ एनालिसिस हर जगह होता है डेटा एनालिसिस इसको हम बोलते हैं अगर मार्केटिंग के फील्ड में चले जाओगे तो वहां भी डेटा एनालिसिस होता है सॉफ्टवेयर के फील्ड में चले जाओ वहां भी होता है सेल्स में चले जाओ वहां भी होता है एडुकेशन में चले जाओ वहां भी होता है आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर डेटा साइंस के बिना काम हो रहा है कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहां बिना डेटा साइंस का काम होगा प्रोग्रामिंग जान लेना पाइथन छोटा सा चीज है हो सकता है कि हम लोग का 12 15 क्लास में खत्म हो जाएगा पाइथन ये सब सारा छोटा-छोटा चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो हमेशा होता है बेस कभी भी फुल स्टैक सीखो या डेटा साइंस सीखो मार्केटिंग सीखो बिजनेस एनालिटिक्स सीखो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखो कुछ भी सीखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेसिक तुम्हें तो सबसे पहले बेसिक सीखना होगा ये बेसिक क्या होता है पूरा बेस जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे जो लोग सोचते हैं ना कि डायरेक्ट हम इंजीनियर बन जाएंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे उनका गलत फहमी है वो उनको पता नहीं है तब उनको लगता है कि इतना आसान है एक होता है ना कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना समझने की जरूरत नहीं है एक बार में ईटा क्या होता है बालू सीमेंट रॉड मिट्टी पानी ये सब क्या होता है छोटा छोटा दीवार कैसे बनाते हैं खिड़की कैसे बनाते हैं गेट के लिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस कैसे कैसे छोड़ते हैं हैं ये फ्लोर डिजाइन करते हम लोग ठीक है पार्टीशन वगैरह कैसे करते हैं पिलर कैसे लगाते हैं छोटा छोटा चीज हम लोग पढ़ना होगा तब जाके हम घर बनाना सीखेंगे लोग क्या सोचते हैं तुरंत हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दो ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ तुम लोग जो भी कोर्सेज कर रहे हो बारह महीने का जो टाइम है बारह महीने में बारह महीने सीखने में नहीं लगेगा सीखने में हो सकता है कि छह महीना सात महीना या मैक्सिमम आठ महीना उससे ज्यादा नहीं बट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा प्रैक्टिस ही सब कुछ है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा तुम्हारे अंदर और प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आज के टाइम में कहीं भी चले जाओ किसी भी इंटरव्यू में वहां इंटरव्यूअर एक चीज जरूर पूछेगा कि कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है आपने लाइफ में अब वहां जाके बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे फंस जाते हैं पढ़ तो लिए हैं बीटेक इंजीनियरिंग एमटेक तक कर लिए है सब कुछ पढ़ लिए हैं पर कभी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है ये प्रोजेक्ट होता क्या है प्रोजेक्ट का मतलब कि रियल लाइफ में कुछ काम करना किसी कंपनी में जाओगे तो वहां तो किसी प्रोजेक्ट पे ही काम करना होगा ना कंपनी बोलेगा कि हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर काम करो तो ई कॉमर्स पे कुछ काम करोगे अगर फुल स्टैक डेवलपर हो तो ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बनाओगे और अगर डेटा साइंटिस्ट हो तो ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ काम करोगे अपना ठीक है तो कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट पे ही काम करना होगा हम लोगों को तो तुम लोग को अभी से ही डे वन तो हम नहीं बोल सकते हैं बट मान लो इसको आज से कल से या नेक्स्ट वीक जो मंडे आ रहा है क्योंकि कल तो लास्ट क्लास है ना मंडे टू तो फ्राइडे हमारा क्लास होगा सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा हो भी सकता है बट रूल के हिसाब से सैटरडे संडे क्लास नहीं है हमारा रूल के हिसाब से मंडे टू तो फ्राइडे ही है तो हो सकता है कि मंडे से ही तुम लोगों को सबको टास्क असाइन कर दिया जाए जो फुल स्टैक में हो उसको कुछ ना कुछ दिमाग लगाने बोल देंगे हम लोग पहले से ही क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि छह महीने सात महीने के अंदर में ही रेडी कर दें डे वन से इन लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे हमको पता है कि तुमको कितना नॉलेज है क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना प्रोजेक्ट्स में और सैटरडे संडे तुम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो क्योंकि कॉलेज वगैरह छुट्टी है तुम लोगों का सबका तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा विदाउट प्रोजेक्ट विदाउट लाइव प्रोजेक्ट जब तक हम लाइव काम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा हमें लाइव काम करना पड़ेगा लाइव ही काम करने से कुछ ना कुछ होगा विदाउट लाइव कुछ नहीं हो सकता है। तो अब आते हैं टॉपिक्स में कि ये सब टॉपिक होता क्या है तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन डेटा एंड नॉलेज इंफॉर्मेशन क्या होता है इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी हिंदी में क्या बोलते इसको इंफॉर्मेशन हम लोग हिंदी में लोग इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं जानकारी ये जानकारी क्या होता है तो जानना कोई चीज अगर कोई पूछेगा कि वट यू मीन बाई एन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या होता है तो वट एवर वी कम टू नो अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कुछ भी तुमको जब पता चलता है ना किसी चीज के बारे में तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं इन्फॉर्मेशन इज एनी थिंग विच यू कम टू नो कुछ भी तुमको जब पता चलता है डेटा साइंस के बारे में जो पता चल रहा है ये भी तो इन्फॉर्मेशन ही है ना आज से छह महीने पहले मुझे नहीं पहचानते थे आज पता चल गया विशाल सिंह कौन है ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कुछ भी गांधी जी का जन्म दो अक्टूबर को हुआ यह भी एक इन्फॉर्मेशन है वट एवर कम्स इन टू योर माइंड

रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एंड डी क्योंकि हम जो तुम लोगों को जिस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से लेके जाएंगे तो कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा डिफ्थ में समझने का चीजों को कि आगे जाके रिसर्च कर सको सा इस सब सारी चीजों पे। अभी भी मार्केट में अगर बोलोगे मुझे तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि कोई अभी भी ए इंजीनियर नहीं है यहां पे आज भी जो हम लोग बोलते हैं ना कि न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन न्यूरोन्स हमारे कैसे ब्रेन में काम करता है ब्रेन का सब कुछ पता है लाइफ साइंस सब लोगों ने समझ चुका है कि इंसान कैसे पैदा हुआ कैसे मरेगा उसके अंदर में बॉडी में सब कुछ प्रोसेस कैसे होता है सारा चीज हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमारे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है कैसे एनर्जी जनरेट करता है हमारे आंख से दिखाई कैसे होता है किसी का तबियत खराब होता है तो बुखार हुआ बुखार होता है कैसे है रीजन भी आज हमारा साइंस मेडिकल साइंस इतना दूर तक पहुंच चुका है कि इंसान के बारे में तो उसने सब कुछ जान लिया है बट कंप्यूटर साइंस अभी तक उतना दूर नहीं पहुंचा है ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है लोग थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं हम तो भाई डेटा साइंटिस्ट है बोलने में है कोई नहीं सब झूठ है किसी डेटा साइंटिस्ट से पूछना तो वट इज साइंस वो डेटा साइंस पढ़ रहा ना तुम लोग भी डेटा साइंस पढ़ रहे हो कोई बोलेगा वट इज साइंस मुझे छोड़कर चौदह लोग हो कोई है किसी को पता है बोल सकते हो साइंस क्या होता है विज्ञान क्या होता है मुझे छोड़ के चौदह लोग हो या कोई ऐसा कुछ नहीं नहीं भी आता है चलेगा इसीलिए तो सीखने आए हो ना फिर हम बताएंगे बट क्या लगता है देखो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हमें कुछ नहीं पता होता है कुछ नहीं लिटरली पता हम लोगों को ऐसे ही बस प्राउड फील करते हैं हम लोग एटीट्यूड में रहते हैं हम तो भाई बीटेक कर लिए हैं हम तो एमटेक कर लिए हम तो आईबीएम में काम किए हम तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं सब बकवास है सैलरी मिल रहा ठीक हो तो किस्मत का बात होता है नौकरी मिल गया ये हो गया वो हो गया एक्चुअल कौन है किसको पता है ये चीज तो मैंने आज तक जिससे जिससे पूछा है किसी को नहीं पता है इसका मतलब ये नहीं किसी को नहीं पता है पता होगा बहुत सारे लोगों को मतलब तो स्टूडेंट ही मिले हैं तुम्हारे जैसे कुछ पूछते हैं तो उनको लगता है कि क्या पूछ रहे हैं साइंस क्या होता है सबको पता है साइंस लेकिन नहीं पता है सबको लगता है कि उसको साइंस पता है एक्चुअली, लेकिन पता नहीं है। बोलो इंटरव्यू में जाए कहीं पे भी तो उसको भी लगे कि हाँ मिले थे किसी से अभी तो कंपटीशन भी होगा कुछ कुछ क्विज वगैरह भी हम लोग पब्लिकली ऑर्गेनाइज करेंगे देखते हैं कौन आंसर दे पाता है बोलो हर्ष कुछ बोल रहे हो क्या

चलो, चलो कुछ रिलेट कर रहे हो जो बोले हो कर भी और कोई वॉट इज साइंस एक्सपेरिमेंट सर आपने लाइन बताई थी में वो याद नहीं आ कोई बात नहीं है देखिए अगर आपको कोई कुछ भी क्वेश्चन हमें कभी भी सबको पता है लेकिन क्या बोले अगर इस सिचुएशन में डायरेक्ट उसका प्रैक्टिकल में चले जाओ साइंस क्या है साइंस तो सिर्फ मेडिकल साइंस कंप्यूटर साइंस लाइफ साइंस फिजिकल साइंस सिर्फ यही साइंस होता है डेटा साइंस साइंस क्या है तो सिंपल से भाषा में देखिए कोई कोई चीज होता है ना कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है उसका डेफिनेशन किसी किसी चीज का डेफिनेशन एक लाइन में नहीं है आपको समझाना पड़ेगा और समझाने से पहले आपको समझना पड़ेगा आपको किसी को समझाना पड़ेगा और समझाने से पहले समझना पड़ेगा उस चीज को ये साइंस क्या है विज्ञान विज्ञान में भी एक ज्ञान है नॉलेज तो यहां पे है किसी भी फील्ड में साइंस होता है साइंस हर फील्ड में होता है आप जीवन के बारे में पढ़ाई करो लाइफ साइंस ये फिजिकल ऑब्जेक्ट भौतिकी ये सब के चीजों के बारे में पढ़ाई करो फिजिकल साइंस मेडिकल साइंस अलग हो गया कंप्यूटर साइंस अलग हो गया डेटा साइंस अलग हो गया बहुत तरह का साइंस हो सकता है हर चीज इस लाइफ में ना इस पूरा ब्रह्मांड में इस पूरा विश्व में पूरा यूनिवर्स में जो भी चीज है वो क्यों है कैसे है कब तक है इसको जानना ऑब्जर्व करना एक्सपेरिमेंट करना टेस्ट करना देन उसको प्रूफ करना यह ऐसे ऐसे हो रहा है यही तो साइंस है विज्ञान अगर कोई बोलेगा मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो आप कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ोगे कंप्यूटर कैसे बनता है कैसे काम करता है कैसे वर्क करता है कंप्यूटर से हम लोग क्या क्या फंक्शनलिटी है उसका क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग कंप्यूटर से कंप्यूटर के हेल्प से हम किस किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट इज द बेस ये एक बेस है किसी भी चीज का अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अगर कोई चीज समझ रहे हो इसका मतलब वो साइंस है। एक बताते हैं। क्रिकेट के बारे में आप स्टडी कर रहे हो वो भी एक साइंस है पिच का लंबाई इतना है तो कभी कोई बॉल अगर फेंकता है आप उसको ऑफ में मारोगे लेग में मारोगे कितना स्पीड से वो बॉल आ रहा है कहां कहां फील्डर्स होते हैं सारी चीजों को समझ रहे हो इतना के एंगल से मारने से वहां पे फील्डर है तो इतने एंगल से हमको इधर उस डायरेक्शन में उसको मारना पड़ेगा वहां पे भी बॉल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है बैट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है समझना पड़ेगा पहले ये क्रिकेट का साइंस है मतलब क्रिकेट का सब कुछ लाइफ साइंस लाइफ का सब कुछ मैथ साइंस पूरा कैलकुलेशन का सब कुछ साइंस का मतलब यहां पे क्या हुआ ना कि अगर आप बोलोगे ना फाइव प्लस थ्री इक्वल टू एट एंड फाइव प्लस थ्री इक्वल टू नॉट नाइन ये साइंस से आप प्रूव कर सकते हो साइंस क्या बोलता है ये बोलता है कि आपको अगर साइंस पता है किसी चीज का तो आप उसको प्रूव कर सकते हो कि वो क्या गलत है क्या सही है साइंस के थ्रू ही हम गलत सही को भी प्रूफ करते हैं ये लॉजिक भी साइंस का पार्ट है हम लोग जो प्रूफ करते हैं ना कोई भी चीज कि फाइव प्लस फाइव इक्वल टू इलेवन तो कोई बोलेगा इट इज नॉट करेक्ट इट इज इन करेक्ट क्यों साइंस कदम पे बोल रहा वो वी कैन प्रूव दैट फाइव प्लस फाइव इज नॉट इलेवन इफ समाइव प्लस फाइव इक्वल टू इलेवन देन वी कैन प्रूव दैट ही इज रॉन्ग फाइव प्लस फाइव इज इलेवन साइंस है ना वो प्रूव कर सकता है डेटा साइंस सिर्फ डेटा के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डेटा का सोर्सेस क्या है कहां कहां से डेटा आ सकता है कहां कहां से डेटा आता है डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं डेटा को क्लीन कैसे करते हैं डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं डेटा का मॉडलिंग कैसे करते हैं डेटा को यूज कैसे करते हैं डेटा को, है? को कहीं भी कैसे हम यूज कर सकते हैं उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिर्फ डेटा के बारे में तो हमें पढ़ाई करना है यहाँ पे डेटा साइंस में चारों तरफ तुम्हें डेटा ही डेटा नजर आएगा there will be nothing but just data और डेटा साइंस पढ़ रहे हो तो डेटा का कम से कम सिंगलर प्लूरल भी याद रखना कि डेटा प्लूरल है इसका सिंगलर होता है डेटम डी ए टी m बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं यह डेटा साइंस है तो सबसे पहले हमें साइंस समझना है और डेटा समझना है कि ये डेटा क्या होता है फिर समझना है कि ये साइंस क्या होता है so in computing world information is called data in real life in humans life the information is what so when we come to know something about something

कंप्यूटर के दुनिया में इंफॉर्मेशन को डेटा बोला जाता है कंप्यूटिंग वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में वट यू स्टोर इन टू कंप्यूटर मेमरी इन डिजिटल मेमरी डिजिटल डिवाइसेस वट एवर यू स्टोर इज डेटा वट इज नॉलेज नॉलेज इज नथिंग बट जस्ट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और प्रोसेस्ड डेटा नॉट रॉ डेटा एक एग्जाम्पल बताते हैं प्याज लहसुन हरा मिर्च नमक तेल मसाला आलू भिंडी मूली गाजर ये सब क्या है रॉ डेटा हो गया बट सबको प्रोसेस करने के बाद जब एक सब्जी बन गया तो सब्जी क्या हो गया नॉलेज एक होता है रॉ जैसे साबुन जो साबुन से तुम लोग नहाते हो साबुन तो डायरेक्टली कहीं से नहीं बन जाता अपने आप नेचर के थ्रू वो तो नेचुरल है नहीं वो तो पहले कुछ रॉ मटेरियल होता होगा वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको प्रोसेस किया जाता है बहुत सारी चीजों में केमिकल वगैरह को मिला वाला के वैसा कुछ बनाया जाता है सॉलिड टाइप का तब जाके वो साबुन पैकेटिंग होता है पैकेजिंग करने के बाद हमारे पास पहुंचता है तो हम लोग उसको लगाते हैं लेकिन वैसा तो वो कहीं धरती से निकलता नहीं है ना रेडीमेड कुछ तो रॉ मटेरियल होता होगा तो यहां पे एक होता है इंफॉर्मेशन और जब इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस करते हैं देन इट बिकम्स नॉलेज वेन यू प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन देन इट बिकम्स योर नॉलेज बट देर सो मेनी वेज यू कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन in several ways we process the information actually according to the problem statement you have some data you have information but you can process the information in many ways but what way what specific way you will process the specific information or data it all depends on the problem which you are given तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिया गया तुम्हें क्या कर रहे हम लोग कि वन क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास तक जितने सारे स्टूडेंट्स का डेटा है सीबीएसई बोर्ड का वो सारा डेटा लाकर हम तुमको दे दिए तुम तो प्रोसेस करने के लिए मुझे तो कुछ प्रॉब्लम बताना पड़ेगा ना पड़े तुमको कि तुम एक काम करो कि जो जो बच्चा टेंथ क्लास में वेस्ट बेंगो, बेंगोल वेस्ट बंगाल से पास किया है

कोई तुमको प्रॉब्लम बोलेगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम ये है हमको क्लास का डेटा चाहिए जो बच्चा पास किया है और वेस्ट बंगल से होना चाहिए हम उसको डेटा उसी तरह से प्रोसेस करके देंगे अब आते हैं हमारे जो दिमाग में है ना वो नॉलेज रहता है इंफॉर्मेशन रहता है दोनों चीज होता है हमारे दिमाग में ना इंसान के दिमाग में हमेशा याद रखना कि ये पूरा कंप्यूटर बना है इंसान के ऊपर में जैसा हमारा भी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होता है इसका ही प्राइमरी सेकेंडरी होता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है इसके पास भी इंफॉर्मेशन होता है हमारा भी नॉलेज होता है इसका भी नॉलेज होता है बट ये वट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज तो इन्फॉर्मेशन कैन बी एनी थिंग वट एवर यू कम टू नो वेन एवर यू कम टू नो वेर एवर यू कम टू नो बट वैन यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम देन इट बिकम्स यूर नॉलेज इट मीन्स मैं जो तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ये नॉलेज नहीं है ये इन्फॉर्मेशन है तुमको क्या करना होगा इसको नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए घर पर प्रैक्टिस करना होगा वीडियो देखना होगा कुछ एग्जांपल्स बनाना पड़ेगा अच्छा सर ऐसे बोल रहे थे ना तो ये तो ऐसे भी हो सकता है तो ये भी तो उसका एग्जाम्पल है अब तुम सोच रहे हो इट मीन यू आर प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन एंड वेन यू आर प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन इट विल डेफिनेटली बिकम योर नॉलेज इन्फॉर्मेशन यू फॉरगेट वेरी इजिली बट टू फॉरगेट नॉलेज इट विल टेक टाइम यू कैनॉट फॉरगेट नॉलेज दैट इजिली बिकॉज डेटा इज प्रोसेस्ड इंट योर माइंड इट हैज बिकम यूर नॉलेज यू कैनॉट फॉरगेट नॉलेज दैट इजिली इट विल टेक समाइम होता ना कि हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं अरे उस दिन देखे थे कुछ याद नहीं आ रहा क्या था क्या नहीं था क्योंकि तुमने प्रोसेस ही नहीं किया प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ एग्जाम्पल बताता हूँ जब रोड में चलोगे ना तो देखना कि तुम्हारे सामने किसी का एक्सीडेंट एक एक हुआ कोई गाड़ी का नंबर तुम देखा अच्छा लाल गाड़ी था ना अच्छा इसने धक्का मार दिया चलो कोई बात नहीं घर चलते हैं घर में बहुत सारा काम है तुमसे मतलब था नहीं जिसका एक्सीडेंट हुआ तुम घर चले गए दस दिन बाद कोई पूछेगा कि अरे उस जो एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का नंबर बताओ तो अब बोलोगे कैसे गाड़ी का नंबर याद रहेगा दस दिन पहले देखे थे ठीक है क्योंकि तुमने प्रोसेस किया ही नहीं था बस देखा चले गए इंफॉर्मेशन आया लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुआ इसका मतलब कि ये तुम्हारा नॉलेज नहीं बना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही रहा वो तुम्हारा नॉलेज नहीं बना था अब तुम क्या करो कहीं रास्ता में जा रहे हो किसी एक्सीडेंट वगैरह हुआ उस आदमी को उठा के तुम हॉस्पिटल लेके गए उसको आधा घंटा टाइम दिए इसका मतलब ना ऑटो में बैठा के कार में बैठा के ठीक है अपने बगल में उसको बैठा के पकड़ के ले जा रहे थे उसको हॉस्पिटल हॉस्पिटल में गए वहां फॉर्म फिलअप किए होता है तो ना एडमिट करने से पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ता है तुम कौन हो आदमी तुमको कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला उसका नाम नहीं पता था पेशेंट का नाम जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके पर्स निकाले वॉलेट निकालो उसके पॉकेट से देखे अच्छा इसका नाम तो विशाल सिंह था लिखो विशाल सिंह यहाँ पे उसके बाद फिर वापस आए उसका गाड़ी वहां पे पड़ा हुआ था वहां पुलिस आया कौन है भाई इस गाड़ी का मतलब किसी को आइडिया है आदमी कौन है तुमने क्या बोला कि हाँ सर मैंने तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया था वो उसका नाम विशाल सिंह था उसी गाड़ी है अच्छा लाल रंग का पाची गाड़ी है ना विशाल सिंह का एक काम कर सकते हैं आप थोड़ा सा थाना चलिएगा वहाँ पे थोड़ा सा लिख देते आप कम से कम कुछ बोल देते कि हाँ मैंने देखा था मैं नहीं तो तुम क्या बोलोगे हाँ ठीक है सर चलिए तो बोले गाड़ी का नंबर क्या था डब्लू बी थर्टी सेवन ए एल फोर थ्री नाइन सेवन बोलेगा तुमको ही पता चल गया अच्छा है था रेड कलर का ठीक क्या हो रहा है जितना ज्यादा टाइम दे रहे हो ना उसके पीछे वो तुम्हारा नॉलेज बन रहा है वो अब दस दिन बाद तुमसे कोई पूछेगा अरे उसका एक्सीडेंट हुआ था कौन हॉस्पिटल हॉस्पिटल भर्ती कराए थे अरे वो तो क्या कोलकाता में एक हॉस्पिटल था आप फूलो के बगल में वहाँ पे तो भर्ती कराए थे क्या नाम था उसका अरे विशाल सिंह नाम था कहाँ का था वो आदमी कहाँ का उसका तो ड्राइविंग लाइसेंस में देखे थे कलकत्ता दिखा रहा था कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा उसको कम प्रोसेस किए थे ना दो चार बार याद नहीं किए थे लेकिन उस आदमी का नाम पुलिस को भी बताएं, डॉक्टर को भी बताएं, उसका वॉलेट निकाले थे आई कार्ड फिर वॉलेट में घुसा के फिर उसको हॉस्पिटल मूसी के पास रख दिए जिस चीज के पीछे कुछ ना कुछ तुमको एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा वॉट एवर एक्टिविटी यू डू विद इंफॉर्मेशन इट बिकम्स योर नॉलेज जितना एक्टिविटी करोगे उतना बेहतर नॉलेज बनेगा How do we process the information to make it knowledge? How do we process the information? Whatever you do, activity, whatever activity you do, it means you are processing the information. What is processing the information? What do you mean by processing the information? What is this processing? The processing means doing whatever with the information.

and why information how information is converted into knowledge so when information is processed then it is converted into knowledge it becomes our knowledge the one who processes the information the knowledge the knowledge goes to that one knowledge if you process the information it will become your knowledge if i process the information it will become my knowledge Whoever will process the information, the knowledge will be his or her. So everything, whatever you come to know, wherever you go, whatever you see, whatever you observe, everything is an op everything is an information. And in computing world, it is data. But to make it knowledge, you have to process it.

do you make any decision with only information or making decisions require knowledge so we need knowledge to make decisions without knowledge you cannot make decisions to make any decision you have to have your knowledge we don't any make any decision विथ जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन वी मेक एनी डिसीजन विथ हर नॉलेज इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड अगर मान लो बाहर में वर्षा हो रहा है बारिश हो रहा है तो तुम्हें कैसे पता चले गया मुझे छाता लेके जाना है या जैकेट पहन के जाना है ठंडा वाला जैकेट नॉलेज कुछ तो तुम्हारे दिमाग में है ना इन्फॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग नॉलेज कैन नॉट बी रॉन्ग मैक्सिमम टाइम नॉलेज में भी रॉन्ग नॉलेज भी रॉन्ग हो सकता है इफ यू हैव प्रोसेस इट इफ यू हैव प्रोसेस्ड द इंफॉर्मेशन इन देन इट विल बिकम योर इन करेक्ट नॉलेज इफ यू हैव प्रोसेस्ड द इंफॉर्मेशन करेक्टली इट विल बिकम योर करेक्ट नॉलेज अब देखो यहां पे भी कुछ बात है ये इनकरेक्ट और करेक्ट वाला सिस्टम क्या है यहां पे किसी ने फाइव प्लस थ्री नाइन पढ़ लिया है प्रूफ भी कर दिया है फाइव प्लस थ्री नाइन गलत पढ़ लिया है उसने उसने गलत प्रूफ समझ लिया है फाइव प्लस थ्री तो एट होगा नाइन कैसे हो सकता है वो तो इफ यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इनकरेक्टली इट विल बिकम योर इनकरेक्ट नॉलेज इफ यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन करेक्टली इट विल बिकम योर करेक्ट नॉलेज इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन

आर नॉलेज इज आर बेस ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर यू टॉक विथ एनी वन द बेस इज योअर नॉलेज व्हाट एवर यू स्पीक व्हाट एवर यू फील व्हाट एवर यू सी एवरीथिंग इज योअर नॉलेज तुम्हारा एज अठारह साल बीस साल है बैठ के कुछ देख रहे हो सामने में कुछ हो रहा है लाइक समथिंग इज हैपनिंग

अब एक, एक साल का बच्चा है एक साल के बच्चे के सामने में भी सेम चीज हो रहा है वो समझ पाएगा क्या होगा नहीं पांच साल के बच्चे के सामने सेम चीज हो रहा है वो समझ पाएगा थोड़ा बहुत दस तुम्हारा एज बीस साल है दस साल के बच्चे के सामने कुछ हो रहा है वो लगभग समझ पाएगा क्या शायद हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो सकता है उसका ऊपर नीचे एक पंद्रह साल के बच्चे के सामने सेम चीज हो रहा है वो लगभग ऑलमोस्ट सही जाएगा वो कि हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है तुम्हारे सामने हो रहा, तुम एकदम परफेक्ट बता दे रहा। अच्छा ऐसा हो रहा तो ये होगा ये सबका जो है तुम बता रहे हो तो हंड्रेड परसेंट मैच कर जा रहा पंद्रह साल का जो बच्चा बता रहा तो है दस साल का बच्चा जो बता रहा है वो लगभग फिफ्टी परसेंट तक सही बता रहा है पांच साल का बच्चा ट्वेंटी परसेंट तक सही बता रहा है एक साल के बच्चा को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नॉलेज दैट वन ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल डज नॉट हैव दैट नॉलेज सो दैट ही और सी कू डिसाइड और मेक समिसीजन टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन वी हैव टू हैव सम नॉलेज इफ यू आर लर्निंग समथिंग अगर तुम कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो ना तो पढ़ने के लिए भी नॉलेज चाहिए होता है पढ़ना तो खुद एक चीज है नॉलेज 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 लेना नौलेज लेने के लिए भी चाहिए ये सारा हमारे ह्यूमन ब्रेन को तुमको समझना पड़ेगा आज जब सो गए ना थोड़ा सा सोचना दिमाग में अपना ये हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है कंप्यूटर के ऊपर मत करो कंप्यूटर तो छोटा सा चीज है बच्चा है हम लोगों के सामने में कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर है, ये है आइए तुम्हारे सामने कुछ नहीं है वो खेलने का चीज है कंप्यूटर अगर तुम वैसा बन जाते हो तो नहीं तो तुम खेलने का चीज हो कंप्यूटर के सामने में करे वो देखो इंसान है हम तो रोबोट है रोबोट सकेगा हम लोगों से जहां इधर उधर इंस्ट्रक्शन घुमा दिए रोबोट अपने आप को सुसाइड कर लेगा वो रोबोट भी सुसाइड करने लग जाएगा प्रोग्राम घुमा देंगे ना उसका प्रोग्राम उल्टा सीधा कर देंगे हम सकेगा हम लोगों से कभी रोबोट हम लोगों से कंपेयर करना लेकिन अभी, अभी के टाइम में लोग क्या बोलते हैं अरे वो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है देखो ऐसा काम करता वैसा काम करता रोबोट है ड्रोन है क्या है बच्चा है खिलौना है छोटा सा ड्रोन और क्या है सैटेलाइट स्पेसशिप बच्चा है खेलने की चीज है अगर तुम उतना पावरफुल हो तो अपने दिमाग को ना अब थोड़ा सा वैसा बनाओ ऑब्जर्व तो करो चीजों को ये जानने का कोशिश करो ना अपने आप को स्टडी करो कंप्यूटर साइंस को तुमको स्टडी नहीं करना है डेटा साइंस तुमको स्टडी नहीं करना है इंसान को स्टडी करो तुम कैसे डिसीजन लेते हो तुम्हारा सेंस ऑर्गन है ना आंख नाक कान मुंह जीभ हमारा टंग स्किन ये सब सेंस ऑर्गन है सेंस ऑर्गन कैसे काम करता है ये सब सारा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है ना? सारा ये सब सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है ये काम कैसे करता है आज तुम लोग का ये टास्क रहेगा इंसान के बारे में समझने की कोशिश करो हम जब चाहते हैं मेरा हाथ लिखता है जब चाहते हैं हाथ नहीं लिखता है हम जब चाहेंगे हाथ का मुट्ठी बंद हो जाएगा जब चाहे हाथ खुल जाएगा जब चाहे किसी को थप्पड़ मार देंगे जब चाहो किसी को तुम कुछ बोल दो जब चाहो आंख खोल लो जब चाहो आंख बंद कर लो ये जब चाहो ये चाहता कौन है कोई तो हमारे अंदर है ये चाहता कौन है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा आत्मा तुम्हारा हार्ट तुम्हारा किडनी तुम्हारा लीवर तुम्हारा ब्लड कौन चाहता है ये चीज ये कौन है हमारे अंदर में ये मैं कौन हूं ये समझने का कोशिश करना होगा तब तुम जाके ए इंजीनियर बनोगे और ऐसा ऐसा चीज बनाओगे ना इन्वेंट करोगे तुम लोग जो दुनिया में कोई आज तक किया नहीं होगा सोचने वाला का कमी है मार्केट में करने वाला का नहीं रिसर्च का कमी है समझने का कोशिश करो इस चीज को ट इज अग एक इंसान को एक मशीन समझो ये मशीन काम कैसे करता है ये किसी चीज को देखता है है तो उसको समझ देख लेता ना और हम उसको नाम बता दिए कि ये जो ये जो चेहरा है है ना नितेश कुमार चलो मशीन याद रख लिया एक महीना बाद उसको बोला बोलो चेहरा कौन है तुरंत तो अपना डेटाबेस में सर्च किया ये फोटो ये फोटो का तो ये नाम है तुरंत बता दिया नितेश कुमार है हम भी बता देते हैं हम लोग भी तो बता देते हैं ना समझो इस चीज को पहले हम आज टास्क देते कुछ भी डेटा दिया जाएगा मजाक करना है लेकिन मजाक तब कर पाओगे जब ये सब चीज तुमको पता होगा डीप लर्निंग हमारे पास भी ह्यूमन ब्रेन में न्यूरोम्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं हमारे ब्रेन में डेटा इंफॉर्मेशन जानकारी स्टोर कैसे होता है आखिर में तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है थोड़ा सोचो इस चीज को ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे आज हम कुछ टास्क दे रहे हैं तुम लोगों को ये सब सब भूल जाओ जो, जो हम बताए हैं बस तुम लोग सिर्फ इतना दिमाग में रखो तुम्हारा टास्क जो इंसान कैसे काम करता है हम किसी को देखते हैं जितना ज्यादा देर तक देखेंगे ना उतना बढ़िया से वो हमारे दिमाग में स्टोर होगा किसी आदमी को तुम झटका में देखे तुम पार कर गए एक सप्ताह बाद बोलेंगे आदमी को देखे हो तो तुम क्या बोलोगे हाँ, लग तो रहा है कि देखा देखा टाइप का कहा देखे है? याद नहीं आ रहा तुम क्या करो दिल्ली स्टेशन में बैठे हुए हो तुम्हारे बगल में एक आदमी बैठा हुआ है तुम बहुत ध्यान से उसको देख रहे हो तुम्हारे ट्रेन आने में एक घंटा लेट कर रहा है अभी घंटा सुधार हो क्या एक्टिविटी कर रहा है देखना kind of एक वो देखा तुमसे बात भी कर लिया भाई तुम्हारा नाम क्या है तुमने बोला मेरा तो नीतीश कुमार नाम है कहा से हो पटना से थोड़ा ज्यादा डेटा प्रोसेस हो गया अब ठीक है अब एक सप्ताह आप पूछेंगे नहीं आदमी को देखे हो अरे हाँ तो दिल्ली में बैठे थे हम लोग

तो आज रात भर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाओ सोचो सोचते सोचते सो जाना इतना भी मत सोच लेना कहीं डिप्थ मत चलना कॉ में चल जाओ ये सब रिस्क रहता है इसमें हम मजाक नहीं कर रहे हैं ठीक है जो आदमी ज्यादा ध्यान में चल जाएगा ज्यादा सोच लेगा वो चल ही जाएगा ठीक है तो वैसा भी नहीं कोशिश करना समझने का और सोचते सोचते मत सो जाओ जागते हुए कॉन्शियस माइंड में होशोहवास में सोचो ज्यादा बढ़िया है बाद में बताया जाएगा तुमको आदमी कोमा में कैसे जाता है वो तो वापस कैसे आता है क्यों लेट हो जाता है किसी किसी में सब ह्यूमन ब्रेन से कनेक्टेड है यहाँ पे डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये हमारा पूरा ह्यूमन ब्रेन डीप लर्निंग के अंदर में ये पढ़ना है अब तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है हम बोलेंगे उसके हिसाब से काम होगा अब तो हमारा भाषा भी समझेगा हिंदी बंगला उर्दू चाइनीज सब समझेगा वो बहुत कुछ है इसके अंदर में सब तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को ये सब सारा चीज प्रैक्टिस करना है फुल फुलस्टेक वाला लोग कम प्रैक्टिस करेगा डेटा साइंस का फुल फुलचेक वाला लोग सॉफ्टवेयर ज्यादा प्रैक्टिस करेगा बट जो डेटा साइंस कर रहे हो ना वो डेटा साइंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आज थोड़ा सा जब रात में एक बार थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो शांति से एकदम कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है तो हम चलते हैं तो मेरा पैर कैसे आगे बढ़ता है कोई इंसान मर जाता तो खड़ा क्यों नहीं हो पाता है जाने के बाद उसको हम नाम लेते हैं अरे उठो 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 नितेश उठ जाओ देखो कौन आया है उठ नहीं रहा आंख नहीं खोल रहा क्यों हो रहा है ऐसा आंसर ढूंढो तो हम कौन है ये फिजिकल बॉडी हम है ये जो बोलते हैं ना हम हम तो जिंदा रहता है ना कुछ दिन तक साठ साल तक सत्तर साल तक फिजिकल बॉडी को तो बाद में सड़ा दिया जाता है गला दिया जाता है जला दिया जाता है कुछ भी कर दिया जाता है ये हम कौन है हम तो मर जाता है कुछ दिन में ये हम बनता है हम तुम्हारा नॉलेज है इंसान एक नॉलेज का बैग है और कुछ नहीं है जो दिमाग है ना वही इंसान है हमारा मेरा दिमाग ही विशाल सिंह है ये मेरा फिजिकल हाथ पैर नहीं फिजिकल बॉडी नहीं ये मैं कौन हूं मैं ही तो नॉलेज है जब मैं पैदा हुआ था तो मैं नहीं पता था कि मैं कौन हूं पैदा होने के बाद मुझे बताया गया कि तुम्हारा नाम विशाल है तुम्हारे माँ बाप का नाम ये है तुम्हारा एड्रेस ये है ये तुम्हारा मां है ये तुम्हारा पप्पा है ये तुम्हारा ये है बताया गया है नॉलेज डाला गया मेरे दिमाग में जब पैदा हुए थे तो मैं तो था ही नहीं मैं तो बना है मैं इज नॉलेज मैं इज योर नॉलेज बोला हु इज नितेश हु नॉलेज इज से नॉलेज ऐसा कोई नॉलेज जो अलग तरीके से अलग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया है हर्ष कौन है कुछ अलग तरह से अलग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा किया गया है ये मैं कौन हूं मैं तो मैं नॉलेज ही तो हूं मैं ये मेरा नॉलेज बोल रहा है कि ये मैं हूं और ये मेरा फिजिकल बॉडी है ये मेरे मां बाप है ये मेरा घर है मैं कौन हूं मैं नॉलेज हूं मैं कौन हूं मैं नॉलेज हूं कौन मैं तुम लोग कोई अगर को दो बोलेगा ना कि मैं कौन है मैं नॉलेज है मैं शरीर के साथ पैदा नहीं होता है ये जो शरीर है ना ये शरीर बनता है जब हम लोग पैदा होते हैं तो बट मैं शरीर के बाद बनता है मैं जो है ना वो शरीर के बाद बनता है ह्यूमन ब्रेन तो आ जाता है जब हम लोग पैदा होते हैं तो बट उसके अंदर में नॉलेज ये जो मैं जैसे जैसे नॉलेज आता है ना तब उसको पता चलता मैं मैं तो हम लोग को पता चलता है मैं तो नॉलेज है वट इज मैं मै इज नॉलेज मैं इज प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मैं प्रोसेस इंफॉर्मेशन हूं मैं नॉलेज हूं मेरा ही फिजिकल शरीर मेरा है ये भी एक नॉलेज है तुम्हारा शरीर विशाल सिंह नहीं है मेरा वाला शरीर विशाल सिंह है ये विशाल सिंह का शरीर है तुम्हारा वाला शरीर हर्ष का शरीर है ये हर्ष का फिजिकल बॉडी है तो तुम लोग आज हमें टास्क दे रहे हैं ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है इंसान चलता कैसे है इंसान का सेंस ऑर्गन कैसे काम करता है ये सोचो बाकी कल मिलते हैं, ठीक है ठेके? कोई कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो हमसे नहीं तो फिर कल मिलेंगे आप क्वेश्चन आ गया सबको टास्क क्या है या किसी को डाउट है yes, sir. Yes, sir.